पढ़ाई करते समय हमें नींद क्यों आती है? ट्रेन के पीछे एक्स क्यों लिखा होता है? बॉर्डर के तारों पर बियर की खाली बोतलें क्यों टंगी जाती हैं? किसी को डंक मारने के बाद मधुमक्खी क्यों मर जाती है? और गर्मी के मौसम में प्याज का अधिक सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे रोचक तथ्य बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, ट्रेन के पीछे एक्स का चिन्ह क्यों बना होता है? अक्सर आप सब ने ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान देखा होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ये एक्स का निशान होता क्यों है। तो चलिए जानते हैं। ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक्स होने का मतलब यह होता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते में ही रह गए हैं, यानी कि 2 डिब्बे के बीच का लिंक टूट गया है और उस पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी ट्रेन में एक्स लिखा नहीं होता है तो वह तुरंत ही रेलवे डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है। नंबर 4, बॉर्डर पर बियर की खाली बोतलें टांगने का केवल एक ही मतलब होता है, सुरक्षा। यह अद्भुत विचार हमारे सैनिकों द्वारा किया गया ताकि धुंध में जब पूरे बॉर्डर की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है, उस समय ये खाली बोतलें किसी के भी बॉर्डर पार करते समय उससे टकरा कर आवाज करती हैं, जिससे चलते सैनिकों को पता चलता है कहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। सैनिकों द्वारा और भी कई तरीके बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अपनाए जाते हैं। नंबर 3, किसी को डंक मारने के बाद मधुमक्खी मर क्यों जाती? देखा जाए तो यह बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियों की कुछ प्रजातियां तो डंक मार ही नहीं पाती, लेकिन कुछ मधुमक्खियां डंक मारने के बाद मर जाती। स्टिंगलेस ग्रुप यानी कि बिना डंक वाली मधुमक्खी, ये मधुमक्खी डंक नहीं मार पाती। इन्हें माइनिंग बीज भी कहा जाता है। इन मधुमक्खियों के डंक काफी छोटे होने की वजह से प्रभावी नहीं होते और किसी को कोई चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन डंक मारने वाली मधुमक्खी मनुष्य या किसी दूसरे स्तनधारी को डंक मारने के बाद मर जाती है। ऐसा उनके डंक की शारीरिक रचना की वजह से होता है। नंबर 2, गर्मी के मौसम में प्याज खाने से क्या नुकसान होता है? प्याज में मौजूद तत्व फ्रुक्टोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, इससे गैस संबंधित परेशानी होने लगती है। ज्यादा प्याज खाने से डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें मौजूद पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है, इसलिए कार्डियो लीवर सिस्टम को नुकसान हो सकता है, जिससे सीने में जलन की शिकायत होने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्याज न खाने वाले लोग अधिक प्याज खाने वाले लोगों के पास जाने से बचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मुंह से प्याज की स्मेल आती रहती है, और प्याज जितना लाभकारी है उतना ही नुकसानदेह भी है। जी हाँ, इसके अधिक सेवन से खून पतला होने का डर रहता है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन के बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब हमारा सबसे मेन टॉपिक जो है कि पढ़ाई करते समय हमें नींद क्यों आती है। दरअसल हमारा दिमाग रिवार्ड सिस्टम पर काम करता है। जब भी हम एक्साइटेड या मजेदार चीज देखते हैं या फिर करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन पढ़ाई करते समय कोई भी एक्साइटमेंट और खुशी नहीं रहती है, इसलिए हमें नींद आने लगती है। यही वजह है कि पढ़ाई करते समय हमेशा नींद आती है। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक क्रिएटर का सबसे बड़ा मोटिवेशन लाइक ही होता है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।